बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है वो तेजस्वी यादव के कहने पर उन्होंने किया है। जी हाँ, इस बात का खुलासा उनके ही मंत्री और नेता कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वायरल में ये बातें कही जा रही हैं कि रामचरितमानस की जो आपत्तिजनक टिप्पणियाँ थी वो स्क्रिप्टेड थी, यानी कि राजद के शीर्ष नेताओं के द्वारा ये स्क्रिप्टेड जो रामचरितमानस पर टिप्पणी की गई थी वो एक स्क्रिप्टेड टिप्पणी थी, जिसमें तेजस्वी यादव का भी नाम सामने आ रहा है कि तेजस्वी यादव के कहने पर ही शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की। अभी आप कुछ समझ पाए उसके बारे में हम आपको बताएं कि शिक्षा मंत्री ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के समाप्ति के दिन रामचरितमानस पर एक टिप्पणी कर दी थी। उसमें उन्होंने कहा कि शुरू से ही दबे कुचले लोगों को शिक्षा से वंचित किया जाता है। एक चौपाई का उदाहरण उन्होंने इस बारे में दिया और ये चौपाई का उदाहरण देते हुए इस बारे में उन्होंने कही है। आपको बताएं कि इस बारे में खुलासा हो गया है, एक सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद अब जो मामला है वो तूल पकड़ लिया है। पूरे मामले को हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बताएं कि रामचरितमानस के खिलाफ बयानबाजी का पूरे देश में विवाद करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री पूरी प्लानिंग के तहत इस काम को अंजाम दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के बीच बातचीत का एक वीडियो ने इसकी पोल खोल दी है। रामचरितमानस के खिलाफ बयानबाजी राजद की प्लानिंग थी, शिक्षा मंत्री उसी प्लानिंग के तहत बयानबाजी कर रहे थे। पार्टी के दूसरे नेताओं को भी इसी लाइन पर बोलने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उदय नारायण चौधरी के बीच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये बातचीत तब हुई जब राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जमुई संसदीय क्षेत्र के सिमुतला के राजद समर्थकों के साथ बैठक कर रहे थे। भारी बैठक में उन्हें लाउडस्पीकर पर फोन कर रखकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को कॉल लगाया और चंद्रशेखर ने बातचीत का ये पूरा वीडियो जो है वो अब सामने आ गया है। आप भी सुनिए क्या बातें हो रही हैं दोनों के बीच में और किस तरीके से रामचरितमानस पर टिप्पणी करने का प्लानिंग जो था वो एक स्क्रिप्टेड प्लानिंग था। जी उसने संयोग से 1951 का एक एडिशन मिल गया किताब का। जी जी हम कहे थे लक्ष्मण यादव ने जो है वो जीपी वाले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। जी जी आप 100 बरस पुराना खोजिए मतलब मारना ही होगा। जी मिल नहीं गया था ना मतलब दम देना वो पेज लगा दिया। जी हम भेजवाते हैं। मूल बात ये है कि लोगों को ये कहना है कि साहब भगवान राम जी सब्जी के जूठ पर खाए, इसका मतलब उनका संदेश है कि जाति पाति खत्म करो। जी भगवान की इंची सुपन भगत टोंक क्या है, संदेश है कि जाति पाति खत्म करो, ये व्याग्रह कर देगा। लेकिन सबरी का बेटा जीतन हनुमान जी मुख्यमंत्री बन के मधुबनी मंदिर गया साहब, तो पाखंडी और उसको गंगा जल से धोकर के पवित्र किया। उस समय दानवाचार लोग कहाँ बचे हुए थे। जी जी कि नहीं उस समय जी किसका क्यों नहीं कटना चाहिए था पुरोहितों का। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन करके गए कैनापुरी मंदिर में पत्नी को लेकर के, क्यों नहीं घुसने दिया गर्भगृह में। जी जी तो तुम जाति बना के रखना चाहते हो, हमको अछूत बना के रखना चाहते हो, मंदिर में घुसने दे देते हो और हमसे चंदा लेना चाहते हो, हमसे वोट लेना चाहते हो। जी ये तो नहीं चलने वाला है। तब देश में ये बस का मुद्दा बन जाए। इस ढंग से बोलने से ना लोग नाराज नहीं होगा, जो भगवान को तो बचा के चलिएगा ना, क्योंकि हिंदू समाज है। जी जी हार ले लीजिएगा तो लोग गुस्सा हो जाएगा। हम लेते भी नहीं है उस ढंग से, इसलिए हम रामचरितमानस के जो अंश है उस पर हम चर्चा की है कि हम भेजते हैं अभी अब उदय बाबू को एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बनाएंगे राम धाम को सिमल तल्ला भी देखना है। जी जी तो आप जो है चूंकि 6 तारीख को हमारे यहाँ, तो आपने सुना किस तरीके से शिक्षा मंत्री नसीहत भी दे रहे हैं कि रामचरितमानस पर टिप्पणी भी करना है। स्वर्णों को जिस तरीके से लगातार स्वर्ण हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं आहत पहुंचानी है, लेकिन भगवान को बचाते हुए पहुंचानी है। बताइए राजद के तरफ से ये स्क्रिप्टेड प्लानिंग क्यों की जा रही है, वो भी रामचरितमानस जैसे ग्रंथों पर टीका टिप्पणी करते हुए। इतना ही नहीं, इस फोन में इस बातचीत में ये भी खुलासा हुआ है कि यूपी के सपा के कुछ नेताओं से भी इस बारे में चर्चाएं चल रही हैं। आपको बताया कि 2-3 दिन पहले ही
यूपी में रामचरितमानस को जलाया भी गया है। तो इस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे हैं राजद के लोग, किस तरीके से लगातार स्क्रिप्टेड ये बयानबाजियां चल रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।